ट्रेन के तेज होने के तुरंत बाद चार हाथियों को मार गिराया गया उड़ीसा में। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में पार करने पर उन्हें एक तेज ट्रेन के बाद चार हाथियों को तुरंत मार दिया गया। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के बिगदीही वन रेंज क्षेत्र में सोमवार को एक स्पीडिंग ट्रेन के पास चार हाथियों की मौत हो गई थी। हावड़ा मुंबई लाइन पर हाथियों को रेलवे ट्रैक, जो एक नामित हाथी कॉरिडोर है, को पार कर रहे थे, ने कहा कि सहायक का संरक्षक पी के ढाल प्रभाव इतना गंभीर था कि दो टस्कर और दो मादा हाथी तुरंत मारे गए थे। श्री ढाल ने कहा, वन अधिकारियों ने कई बार रेलवे अधिकारियों से आग्रह किया है कि यह सुनिश्चित करे कि ट्रेनों को हाथी कॉरिडोर में गति धीमी हो। मानदंडों के अनुसार चालकों को ट्रेनों की गति को 30 किलोमीटर पीएच तक सीमित करना चाहिए, जबकि हाथी कॉरिडोर से गुजरते हुए और सींगों को घुमाकर रेलवे पटरियों को पार करने वाले जानवरों को सतर्क करने के लिए क्यों असम में ट्रेनों में हाथियों को मारा जा रहा है। फरवरी में असम के नागांव जिले में एक तेज ट्रेन के बाद चार हाथियों की मौत हो गई क्योंकि गुवाहाटी सिलचर यात्री ट्रेन हावापुर रेलवे स्टेशन पार कर रही थी। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में मनुष्य पशु संघर्ष बढ़ रहा है। तीन राज्यों जो देश के हाथी आबादी का 10% हिस्सा हैं। आज के शुरुआती दिनों में एक हाथी के झुंड ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर गांव में एक घर को नष्ट कर दिया, जिसके कारण रुपए का नुकसान हुआ। समाचार के अनुसार गांव वालों को 70,000 राज्य के वन विभाग ने रुपए का मुआवजा दिया है। सूरजपुर में 50,000 गांवों में, जो गर्मियों की शुरुआत के बाद से कोमल दिग्गजों के क्रोध को देख रहा है, 1 अप्रैल को सूरजपुर जिले के वन क्षेत्र में जंगली हाथियों के एक झुंड से 50 वर्षीय एक व्यक्ति को कुचल दिया गया था, एक राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया। प्रतापपुर वन सकल के अधिकारी खड़गवा सुंगरा रोड पर मौजूद हाथियों के साथ साथ बुखा गांव से दशरथ के रूप में पहचान की गई पीड़ित सामने आए। प्रभाकर खलको ने कहा, हाथियों ने उस पर हमला किया जब वह जंगलों में महुआ के फल लेने की कोशिश कर रहा था। महुआ के फल हाथियों का पसंदीदा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल के शुरू होने के बाद से इस इलाके में चलने वाले करीब 60 हाथियों के एक समूह की खबर आई है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हाल ही में घने जंगलों के उत्तरी छत्तीसगढ़, विशेष रूप से सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर और बलरामपुर जिलों से मानव हाथी संघर्ष की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। झारखंड में वन विभाग के अधिकारियों ने अप्रैल की शुरुआत में धनबाद जिले में 18 हाथियों के झुंड की उपस्थिति के ग्रामीणों को चेतावनी दी थी। ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए राज्य के वन विभाग ने एफएम रेडियो चैनल और हाथी बुलेटिनों को प्रसारित करने के लिए गठित किया, ताकि ग्रामीणों को हाथी आंदोलन का वास्तविक समय स्थान दे सकें।